मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा। आपको मालूम है बड़े बड़े जो ब्यूटी पार्लर्स है ना, 5 स्टार, वहां पे लोग जाते हैं मिल्क क्लिंजिंग कराने के लिए। मिल्क क्लिंजिंग समझते हैं, दूध से चेहरे की सफाई करवाना। अगर वो दूध से चेहरे को साफ करा सकते हैं तो आप दूध से शरीर साफ क्यों नहीं कर सकते? बस अंतर इतना है कि 5 स्टार ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लिंजिंग 500 रुपए में होती है। मैं फोकट में बता रहा हूं आपको, नहा के देखो दूध से, थोड़ा 2 चम्मच दूध ले लो, मैं बहुत बार नहाता हूं, 2 चम्मच दूध ले लो, लगा लो तेल की तरह से, तो सारा मेल गंदगी निकल जाएगा। फिर पानी से डाल दो तो सारा मेल और गंदगी आपकी आंखों से जाता हुआ दिखाई देगा। आप देख लो, गंदगी निकालने के लिए स्नान किया जाता है, और गंदगी निकालने की सबसे ज्यादा ताकत दुनिया में अगर किसी एक चीज में है तो वो दूध है। इसलिए हमारे देश में दूध से नहाया जाता है। और मेरी बात मानो, बिना साबुन के ही नहाओ, साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे कैसे नहाए? जब स्नान करते हो ना तो शरीर को खूब अच्छे से रगड़ लो, मैल सब निकल जाता, पानी से नहा लो। और एक तरीका है, तौलिया होती है ना, तौलिया गीला करके उससे रगड़ लो, पानी से नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। और एक अच्छा तरीका है, थोड़ा बेसन ले लो, बेसन चने का आटा, उसमें दूध मिला लो, उसका पेस्ट बना लो, उसको रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छी मुल्तानी मिट्टी आती है, गांव गांव मिलती है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दो, सवेरे तक नरम हो जाएगी, रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। नहीं तो दूध से नहा लो। अच्छा ये बताओ, हम जब किसी बड़े बुजुर्ग के पांव छूते हैं तो वो क्या कहते हैं? दूधो नहाओ, पूतो। आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? कभी किसी ने ये कहा दूधो नहाओ या लाइफ बॉय लगाओ पूतो फलो, लक्स लगाओ पुत्रियां फलो? नहीं कहा ना, सब बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। तो दूध से नहाओ, बुजुर्गों की इतनी तो मानो। तो आप बोलोगे जी दूध बड़ा महंगा है, साबुन से सस्ता है। साबुन आता है 100 ग्राम 15 रुपए का, तो 1 किलो कितने का हुआ? 150 रुपए का। 1 किलो दूध आता है 20 रुपए का, साबुन से सस्ता है। और नहाने में दूध जो है ना, 1 चम्मच खर्च होता है। हाँ, एक बार के नहाने में 1 ही चम्मच दूध लगता है। मैं तरीका बताता हूं आपको, कल नहा लेना या घर जाके नहा लेना। 1-2 चम्मच दूध लेना, बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध लेना, उसको शरीर में लगाना, जैसे तेल लगाते ना, तेल लगा के हल्की हल्की मालिश करना। तो दूध की सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे ही लगाओगे तो सारे मैल और गंदगी को बाहर निकाल देता है। अब इसका फायदा क्या होगा? साबुन विदेशी नहीं बिकेंगे, और या नहाना है तो देशी साबुन से नहाओ, तो पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा। मैंने हिसाब निकाला था कि सब लोग साबुन लगाना बंद करें और उतने रुपए से दूध खरीद के नहाना शुरू करें तो करोड़ों किसानों को फायदा होने लगेगा, दूध की बिक्री बढ़ जाएगी। जैसे दूधी भोपला बहुत अद्भुत है, ऐसे ही एक बहुत अच्छी औषध है स्वयं पाक में, वो भी बहुत अद्भुत है। उसका नाम है हड़प, हल्दी, बहुत अद्भुत। यही हड़प रक्त का भी शोधन करती है। नियमित रूप से हड़प का दूध आप पीते रहे या बच्चों को हड़प का दूध पिलाते रहे तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता, रक्त में कोई विकार नहीं आता, और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता। और हड़द एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, 5 गुण एक साथ हड़द में है। कहीं चोट लग गई है तुरंत हड़द लगा दीजिए, खून बंद हो जाए। सेवलॉन लगाने की जरूरत नहीं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। और जिनके शरीर को, ये बात को आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिए, जिनके शरीर को रंग साफ करना है, माने आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा काला है, आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं, रंग साफ करना चाहते हैं, तो हड़द से अच्छी कोई वस्तु पूरी दुनिया में नहीं। जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का, नियमित रूप से हड़द खाइए, दूध में डाल के, नहीं तो पानी में डाल के, नहीं तो मद में मिला के, रंग नियमित रूप से आपका साफ होता जाएगा। दुनिया में जो काम कभी भी फेयर एंड लवली नहीं कर सकती वो हड़द कर सकती। वही 1/2 चम्मच नियमित रूप से लेना पड़ेगा, ज्यादा दिन तक लेना पड़ेगा। फेयर एंड लवली तो कुछ नहीं करती, मैंने फेयर एंड लवली को लगा के देखा एक मशी को, 4 साल बिगड़ के, वो मशी अभी भी काली की काली। इसलिए फेयर एंड लवली तो कुछ भी नहीं करती, ये बकवास है और टीवी में बोगस जाहिरात है। और महंगी इतनी आती है फेयर एंड लवली, 25 ग्राम 40 रुपए की,
तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपए किलो आती। अभी 1600 रुपए किलो की टेर है, लकड़ी लाए, उससे अच्छा है 20-25 रुपए किलो हड़क ले आई, उसकी ताकत बहुत है। और आपको एक और माहिती देता हूँ, जिनको शरीर की तकलीफ ऐसी है कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ा भी निकले तो त्वचा में जलन होने लगती है, इन सब लोगों को मेरी विनती है कि हड़द लगाइए, हड़द लगा के आप बाहर निकलिए, कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी, सन बर्न कभी भी नहीं होगा, सन स्ट्रोक कभी नहीं। और ऐसे लोग जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शरीर की शक्ति और वीर्य को सुरक्षित रखना है, वो नियमित रूप से हड़द खाएं, तो ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते हैं और आपके शरीर के वीर्य को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी हड़द का अद्भुत उपयोग है, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जो किसी औषध से ठीक नहीं होती है वो हड़द से ठीक होती है, और उसका नाम है कैंसर। आप माहिती है, आपको हड़द अमेरिका में पेटेंट करा ली गई, अमेरिका सरकार ने हड़द पर 33 पेटेंट लिए और ये सारे पेटेंट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। हड़द का उपयोग कैंसर में होता है। अब कौन सी हड़द का उपयोग होता है? हड़द आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हड़द है, पाउडर के रूप में एक ताजा हड़द आती है, लीली हड़द कहते हैं, आंबा हड़द कहते हैं, ताजा हड़द कहते हैं, जो खेत में से निकल के सीधे आती है, उस हड़द की चटनी बनाए, उसमें से रस निकलता है, वो रस कैंसर के रूप में काम आता है। कैंसर के किसी भी मरीज को जिसको गले का कैंसर है, होंठ का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के मरीज को हड़द का रस मत मिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है दुनिया में हड़द पर, उन रिसर्च का ये कहना है कि हड़द में कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है, और ये सिर्फ भारतीय हड़द में ही है और दुनिया के किसी देश की हड़द में नहीं है, पाकिस्तानी हड़द में ये नहीं है, बांग्लादेशी हड़द में नहीं है, भारत की हड़द में। तो हड़द आप घर में रखिए, ताजा हड़द मिले और घर में कोई कैंसर का मरीज हो तो उसका रस निकाल के थोड़ा मत मिला के उसको नियमित रूप से पिलाते रहे, और मत ना मिला सके किसी कारण से तो हड़द में गुड़ मिला के, काकड़ी मिला के उसको देते रहे।